दोस्तों, भारतीय सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब का आज बर्थडे है। राज कपूर साहब ने ढेरों फिल्में बनाई, ढेरों उनके मास्टरपीसेस हमारे सामने, लेकिन एक एक्टर के तौर पर, एक फिल्म मेकर के तौर पर राज कपूर महान थे, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर राज कपूर कैसे थे, ये कैसे पता पड़ेगा? ये पता पड़ेगा उनके कंटेम्प्रेरीज जो उनके बारे में कहते, उनके दोस्त जो उनके बारे में कहते, उससे ये पता पड़ता है। और जब मैं इंडस्ट्री में आया तब तो राज साहब पृथ्वी पे नहीं थे, लेकिन जो मेरी देव साहब से बात हुई, जो मेरी मनोज कुमार साहब से बात हुई, वो कुछ एक यादगार किस्से आपको सुनाता हूं। ये किस्सा है नवकेतन का, जो मनोज कुमार सुनाते हैं कि जब पूरा पश्चिम रिलीज होने वाली थी तो देव साहब का एक प्रीव्यू थिएटर होता है, बांद्रा में होता था नवकेतन, वहां पर वो केतनव में के प्रीवी थिएटर में ये सारे लोग मिलके आपस में, ये सारे उस समय के सारे दिग्गज आपस में मिलके एक दूसरे की फिल्में देखा करते थे और बताया करते थे क्या अच्छा, क्या भला, क्या बुरा। तो पूरा पश्चिम का ट्रायल था, उसमें राज साहब भी थे, मनोज कुमार थे, सुनील दत्त साहब थे, ऐसे कई सारे लोग उस समय के कंटेम्प्ररी थे, बलराज साहनी थे। और फिल्म शुरू हुई, टाइटल क्रेडिट के साथ जैसे ही फिल्म शुरू हुई, राज साहब उठ के बाहर आ गए, तो मनोज कुमार पीछे उनके पीछे गए, बोले क्या हुआ भाई, क्या आप बाहर क्यों आ गए? बोले आई एम जेलस ऑफ यू, तुम्हारी फिल्म हिट है। तो बोले अभी तो फिल्म शुरू ही नहीं है, आपने कैसे बोल दिया हिट है? तो अगर आप लोगों ने पूरा पश्चिम देखी होगी तो वो एक सीन है कि यहां से तिरंगा कलर्ड ऊपर जाता है और अंग्रेजों का ब्लैक एंड व्हाइट झंडा नीचे आता है। बोले इसी शॉट पे तुम्हारी फिल्म हिट है। इस लेवल के फिल्म मेकर थे राज कपूर साहब। दूसरा किस्सा, राम तेरी गंगा मैली रिलीज होने वाली थी और राज साहब बड़े टेंशन में थे क्योंकि एक अलग तरह की फिल्म थी, बेटा उसमें था और स्ट्रेस था। तो उन्होंने CPCI जो इंदौर के डिस्ट्रीब्यूटर है, इंदौर उस समय टेस्ट मार्केट में आता था कि वहां पे फिल्में एक दिन पहले रिलीज होती थी, तो वहां पे किस तरह का रिस्पांस आता है। कुछ ऐसे सेंटर्स पूरे हिंदुस्तान में जिसको टेस्ट मार्केट कहा जाता है, जहां पर फ्राइडे की जगह थर्सडे को फिल्म रिलीज होती है, तो इंदौर टेस्ट मार्केट में उन दिनों भी था कि रिलीज के बाद कैसा रिस्पॉन्स है समझने के लिए ये मार्केट में फिल्में पहली डाली जाती है। तो राज साहब ने वहां के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे अनीस साहब शायद, तो अनिल साहब से कहा कि भाई मुझे ये फिल्म, पहला शो 12 बजे शुरू होगा, 12:22 पर मुझे आप फोन करके बताना कि तालियां बजी कि नहीं, अगर तालियां बजी तो फिल्म आपकी हिट है, आप भूल जाना, चलती रहेगी फिल्म एक दो डेढ़ दो महीने, और अगर ताली नहीं बजी तो आप आजाद हो, आप कभी भी फिल्म उतार सकते हो, लेकिन मुझे फोन करना मत भूलना। अब ये बैठे हैं, इन्होंने अपनी विस्की खोली और शुरू हो गए और शो शुरू हुआ 12 बजे का, 12:30 हो चुका है, 1 बज गया, फोन ही नहीं आया। तो राज साहब को भी लगा कि अब कोई मतलब नहीं है, फिल्म खत्म हो गई। और तकरीबन 1:30-2 के आसपास अनिल साहब ने इनको फोन किया कि राज साहब फिल्म हिट है। तो बोले फोन क्यों नहीं किया, मैं फोन का इंतजार कर रहा था। बोले राज साहब इतनी चिल्लर पड़ रही थी कि उनको समेटना पड़ रहा था, स्क्रीन बचाना पड़ रही थी, सीटियां और तालियां पड़ रही है। तो आप ये सोचिए कि एक फिल्म मेकर के तौर पर एक फिल्म पे कॉन्फिडेंस होना कि 12:22 पे कोई जो भी पर्टिकुलर सीन होगा राम तेरी गंगा मैली का, वो सीन आने के बाद वहां पर तालियां पड़ना चाहिए, ये एक डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस कि उस सीन पर तालियां पड़ना चाहिए, अगर नहीं पड़ी तो फिल्म ने वर्क नहीं किया। इस लेवल के फिल्म मेकर राज साहब थे। राज साहब अद्भुत फिल्म मेकर है, उनकी जो फिल्में हैं वो कमाल कमाल की फिल्में हम सभी जानते हैं, और वो भी आज भी उतना ही रिलेवेंस बनाती हुई फिल्में राज कपूर साहब ने बनाई है। तो ऐसे राज कपूर को जन्मदिन की, आज राज साहब होते तो 99 ईयर्स के होते हैं, लेकिन राज साहब या कोई भी क्रिएटिव पर्सन जो इस स्टेचर का हो वो कभी जाते नहीं है, वो हमेशा अपनी रचनाओं से, अपनी कृतियों से जिंदा रहते हैं और आपको, हर आने वाली जनरेशन को क्रिएटिवली एक झकझोर कर चैलेंज करते रहते कि आओ यहाँ तक तो पहुँच के दिखाओ।